नमस्कार किसान साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्शन 54 में। किसान साथियों, जिन लोगों ने गन्ना लगा रखा है और अक्सर आपने गन्ने वाले प्लांट्स में इस टाइम जून के महीने में आपने ओगलों की नोक को सूखते हुए देखा है। ये पुगी जो है, जहाँ से आप गन्ने का जो पुगी होती है वहाँ से ये सूखते हुए ऊपर की तरफ दिख रही है। हर प्लांट में गन्ने के प्लांट में अक्सर अभी जो है, आप जितने प्लांट देखोगे गन्ने में, वो उसकी ओगलों की नोक सूख रही है, कहीं कहीं बीच में से भी सूख रही है। ये शुरुआती लक्षण होते हैं पुकाबोइन के, जिसको हम कैंसर रोग भी कहते हैं, जिसको हम रेड रॉट भी कहते हैं। ये पैदावार को बहुत ज़्यादा घटा देती है। ये समय के साथ साथ बढ़ता रहता है और एक समय ऐसा आता है जब तना भी सड़ने लगता है और दारू जैसी महक, इसमें गंध भी आनी शुरू हो जाती है। क्या साथियों, ये इसके फैलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। टेम्परेचर के बढ़ने से भी ये रोग आ जाते हैं। दूसरा, इसमें चूसक कीट जैसे आपका ब्लैक बग, चींटी आदि जो होती हैं, वो तनों के बीच में कोमल भाग को खाती रहती है, चूसती रहती है, जिसके ये एक तरह का बाहक का काम भी करती है। इसीलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गन्ने का एक तरह का कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा भयंकर खतरनाक बीमारी। किसान साथियों, पुकाबोइन के शुरुआती लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं, कुछ किसान साथियों इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको दरअंदाज कर देते हैं कि ये गर्मी से ज़्यादा सूख रहा होगा, जिसके कारण आगे जाके ये गन्ने ऐसे इस तरह से ये ख़राब होने लगते हैं कि उस टाइम कोई दवाई इनको मिल नहीं पाती किसान साथियों को, और एक भारी नुकसान किसान साथियों को झेलना पड़ता है। इसीलिए किसान साथियों, इसको हल्के में ना लीजिए, क्योंकि अभी अगर शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं तो ये एक संदेश है, शुरुआती भयंकर बीमारी जो मैंने बताई पुकाबोइन की शुरुआती लक्षण की। क्योंकि इसके लिए मैं 2 से 3 विधि आपको बताऊँगा जो कारगर है और बहुत बढ़िया काम करती है। स्पेशली मैंने मेरे फार्मर जो होते हैं, स्पेशली मेरे शॉप से मैंने उनको रिकमेंडेशन किया है और उनका खेत मैंने विजिट किया है, बहुत शानदार रिजल्ट है और कंट्रोल भी हुआ है। इसके लिए आप पहली विधि में आपको बताऊंगा, आप हेक्साकोनाजोल जो आती है, कंटा प्लस नाम से भी आती है, बहुत सारी कंपनी के अलग अलग हेक्साकोनाजोल अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं, लगभग आधा लीटर। साथ में आप कॉपर ब्लू लिक्विड में जो आती है, बहुत सारी कंपनी का आती है कॉपर जो लिक्विड में फॉर्म में आती है, उसकी भी आधा लीटर, और साथ में स्टेप्टोसाइक्लिन ये एंटीबायोटिक की पहुंच आती है, लगभग 3 से 4 आप उसमें अलग घोल बना के गुनगुने पानी के साथ, तीनों का मिश्रण अलग अलग बना के आप 200 लीटर, कम से कम 200 लीटर पानी लगभग शाम को आप स्प्रे करिए। और खेत में नमी होना ज़रूरी है, इसलिए आप पानी चलाते हुए भी स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, इससे बहुत शानदार प्रभावशाली। दूसरी विधि के लिए मैं बताऊँगा कि आप अगर ये दवाई आपको नहीं मिलती है तो आप मार्केट से TPM यानी थाइफेनाइड मिथाइल लगभग आधा किलो के हिसाब से, और साथ में आप स्टेप्टोसाइक्लिन की एंटीबायोटिक की पूरी पाउच लगभग 3 से 4 लेके इसके साथ अलग अलग घोल बना के 200 लीटर पानी के साथ शाम के टाइम या सुबह के टाइम पानी चलाते हुए स्प्रे करना, प्रभावशाली रिजल्ट इसके भी मिल जाते हैं। किसी कारणवश ये दोनों नहीं मिल पाते हैं तो आप क्या करिए, कर सकते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगभग आधा किलो के हिसाब से या 400 से 500 ग्राम, यदि उसमें उसके साथ आप अलग वैलिडामाइसिन लगभग 200 ml के साथ, और साथ में इसमें भी स्टेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक की पुड़िया और 200 लीटर पानी और पानी चलाते हुए स्प्रे करें, इसके भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट, शानदार रिजल्ट दिख जाते हैं। सर साथियों, इसको अगर ज़्यादा है खेत में तो आप इसको 15 दिन में या 20 दिन में रिपीट कर सकते हैं। इससे वही जो जैसी स्थिति है वैसी ही ये कंट्रोल हो जाती है, और समय के साथ साथ ओगलवा जो आप सूख जाता है या बीच में से भी सूख जाता है, वो धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। यहाँ साथ ही इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और दूसरे किसान साथियों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे वीडियो के लिए।